नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 25 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में क्रिसमस का माहौल देखने को मिलने वाला है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। यह ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। लगभग एक सप्ताह तक छुट्टी रहती है और इस दौरान बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। घर और बाजार रंगीन रोशनियों से जगमगा उठते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के कारण क्रिसमस का भव्य आयोजन नहीं होगा। LIC में नौकरी करने का मिला सुनहरा मौका। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। अब आप जीवन बीमा निगम में नौकरी कर अपना सपना आसानी से पूरा कर सकते हैं। LIC के हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बाद LIC में ट्रेनी से लेकर असिस्टेंट मैनेजर तक के पदों की भर्तियां हो रही है। LIC की हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन के लिए LIC की आधिकारिक वेबसाइट LIC housing.com पर जाना होगा, जहां से आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। वैशाली के कुटागार शाला विहार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुटागार शाला उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान बुद्ध बारिश के मौसम में अपने वैशाली प्रवास के दौरान रहते थे। उत्खनन ने इसके निर्माण के 3 चरण को उजागर किया है। मूल रूप से यह एक छोटी सी चिता थी जो सुंगा कुंश काल के दौरान बनाई गई है। इसके बाद गुप्ता अवधि के दौरान दूसरे चरण में एक ऊंचा मंदिर में विस्तार किया गया और अंत में गुप्ता अवधि के बाद तीसरे चरण में कई विभाजन दीवारें प्रदान कर मंदिर को मठ में परिवर्तित किया गया था। बिहार में टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी राहत। राज्य में सभी तरह के टैक्स को जमा करने के लिए एक विशेष पोर्टल को वित्त विभाग के स्तर पर अंतिम रूप दिया गया है। इसका नाम ऑनलाइन गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड अकाउंटिंग सिस्टम रखा गया है। इससे अब तक 19 विभाग जुड़ गए हैं। मार्च के अंत तक राजस्व संग्रह करने वाले सभी विभाग इससे जुड़ जाएंगे। नए साल के जनवरी में 8 विभाग इससे जुड़कर ऑनलाइन हो जाएंगे। इस तरह से मार्च के अंत तक सभी संबंधित विभागों को इससे जोड़कर सेवा पूरी तरह से शुरू कर दी जाएगी। बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 668 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 249,336 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 282 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही औरंगाबाद में 44 तो वहीं मुजफ्फरपुर में 50 मामले सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए छुट्टी का कैलेंडर हुआ जारी। बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज में नए साल में रविवार को छोड़कर 80 छुट्टियां मिलेंगी, जिसके बाद साल 2021 में 91 छुट्टियां दी गई है। इनमें 11 छुट्टियां रविवार होने के कारण छुट्टी दी गई है। इस तरह रविवार को छोड़कर 80 छुट्टियां मिलेंगी। कुल 91 छुट्टियों में ग्रीष्मावकाश के 30 दिन भी शामिल है। ग्रीष्मावकाश केवल शिक्षकों के लिए ही होगा। होली की छुट्टी 28 से 31 मार्च रहेगी। 14 और 15 मई को ईद की और 21 और 22 जुलाई को बकरीद की छुट्टी रहेगी। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि चांद दिखने के अनुसार मुस्लिम त्यौहार के अवकाश की तारीख में परिवर्तन किया जा सकता है। 12 से 16 अक्टूबर दुर्गा पूजा की छुट्टी रहेगी। दिवाली, चित्रगुप्त पूजा, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती को लेकर 4 से 11 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। 24 से 31 दिसंबर क्रिसमस का अवकाश रहेगा। माता पिता की सहमति से ही अब छात्र जाएंगे स्कूल। बिहार में 4 जनवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं अब स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, सभी जिला दंडाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता की सहमति लिया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहता है तो उन्हें अनुमति देनी होगी। इसके साथ ही ऑड इवन रोल नंबर से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके साथ ही 6 फीट का पालन करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 6 फीट दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। 31 जनवरी तक बिहार में कई ट्रेनों को चलाने का जारी किया गया आदेश। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने बिहार के 8 इंटरसिटी ट्रेनों के परिचालन की अवधि को बढ़ा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार और झारखंड के अलग अलग शहरों के बीच चलने वाली 8 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि को बढ़ाया गया है, जिसके बाद अब यह ट्रेनें 31 जनवरी तक चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार के जिन 8 इंटरसिटी ट्रेनों के परिचालन अवधि को बढ़ाया है उसमें सहरसा पटना, पटना कटिहार और दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी प्रमुख है।
बिहार में ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था करेगी सरकार। बर्फीली हवा चलने के कारण पूरे प्रदेश में ठंड का माहौल है। बिहार में कड़ाके की ठंड से निजात दिलाने के लिए सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव से फीडबैक लिया है। उन्होंने प्रधान सचिव को कई निर्देश भी दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने विभाग को अलाव की व्यवस्था करने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि आम जनमानस को शीतलहर के प्रकोप से बचाने हेतु सभी अंचल स्तर से प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था जारी रखी जाएगी एवं इसके लिए अतिरिक्त आवंटन की जरूरत हो तो उसे मुहैया कराया जाएगा। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रंजीत रॉय चौधरी की। रंजीत रॉय चौधरी का जन्म आज ही के दिन साल 1930 को बिहार में हुआ था। रंजीत रॉय चौधरी एक भारतीय नैदानिक चिकित्सा अकादमिक और स्वास्थ्य नियोजक थे जिन्होंने भारत में औषधियों और नैदानिक परीक्षणों पर नीति और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति का नेतृत्व किया था। वे भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के ड्रग्स के तर्कसंगत उपयोग के संयुक्त कार्यक्रम में अध्यक्ष थे। वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष और दिल्ली सोसाइटी प्रमोशन ऑफ रैशनल ऑफ ड्रग्स के प्रचारक भी थे। जूनियर डॉक्टरों का दूसरे दिन भी जारी रहा विरोध। राज्य भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार से ही हड़ताल पर है। हालांकि बीते दिन भी डॉक्टरों का यह हड़ताल जारी रहा। इसके कारण पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में इलाज बाधित हो गया। वहीं जूनियर डॉक्टरों की माने तो पिछली बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से एफिडेविट में दिया गया था कि जूनियर डॉक्टरों की मांग सुनी जाएगी, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सभी जूनियर डॉक्टर से हड़ताल वापस लेने की मांग हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी की है। हालांकि कोरोना के माहौल में इन सभी डॉक्टरों ने कोरोना मरीज की जांच की। संजय झा ने 2021 में दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की कही बात। वर्तमान समय में दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं का अभाव है। विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हाल ही में पत्र भी जारी किया था जिसमें इस एयरपोर्ट के नाम को बदलने की बात कही गई थी। वहीं अब पूर्व मंत्री संजय झा ने अपना बयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट 2021 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट 8 नवंबर को शुरू हुआ था और एक महीने में यहां 30,000 से अधिक लोगों ने हवाई यात्रा की है। अभी 3 फ्लाइट यहां से उड़ान भर रही है। अब घर बैठे बैठे आपको मिलेगा लर्निंग लाइसेंस। अब लर्निंग लाइसेंस को लेने के लिए आपको कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे बल्कि अब आपको घर बैठे बैठे ही लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के बाद चाहे तो घर से ही या कहीं से भी ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल सकते हैं। इसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने दी है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि यह सुविधा राजधानी पटना समेत सभी जिला परिवहन कार्यालय में शुरू हो चुकी है जिसके बाद अब बिना परिवहन कार्यालय आए भी आप अपना लाइसेंस पा सकते हैं। पीएचक्यू की बड़ी बैठक में मुख्यमंत्री ने सूबे के सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाने का जारी किया आदेश। पुलिस हेडक्वार्टर के उद्घाटन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। पूरा कार्यालय अलर्ट मोड में काम करने लगा है। सीएम ने सबसे पहले पूरे भवन का मुआयना किया, फिर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सभी संवेदनशील स्थलों पर जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश जारी किया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी आश्वस्त किया है कि बिहार में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजाय अब तेजस्वी सुन रहे हैं लोगों की फरियाद। भले ही तेजस्वी यादव इस बार सरकार बनाने में असफल साबित हुए हों, मगर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गए हैं जिसके तहत तेजस्वी यादव दरबार के जरिए लोगों की परेशानी सुनने में लगे हुए हैं। वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अणे मार्ग पर लगने वाले जनता दरबार का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है, मगर अब तेजस्वी ने इस पहल की शुरुआत की है जिसके बाद हर रोज शाम को तेजस्वी जनता की फरियाद सुनने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन भी देते हैं। राजद कार्यालय में मीडिया की एंट्री पर लगाई गई पाबंदी। राजद कार्यालय में मीडिया कर्मियों की एंट्री पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई है। राजद नेता जगदानंद सिंह ने मीडिया कर्मियों के लिए फरमान जारी कर दिया है जिसके मुताबिक राजद कार्यालय में मीडिया कर्मियों के 11 बजे से पहले एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पार्टी कार्यालय के गेट के पास मीडिया कर्मियों के लिए एक फरमान जारी कर दिया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और छायाकार मित्रों से अनुरोध है कि कार्य दिवस अवधि में पूर्वाहन 11 बजे दिन के बाद ही प्रदेश कार्यालय में आने की कृपा करें।
राहुल प्रियंका के बयान पर गिरिराज सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया। राहुल गांधी की तरफ से भारत में लोकतंत्र के नहीं होने वाले बयान पर भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को 1974 की इमरजेंसी को याद करने की जरूरत है। शायद कांग्रेस के युवा नेता को इतिहास का पूरा ज्ञान नहीं है, उन्हें इतिहास पढ़ने की काफी ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस साम्राज्य का आपातकाल भारत के इतिहास में काले अक्षर में है, उन्हें पढ़ने की सख्त जरूरत है। नीतीश सरकार के निर्णय पर अफसरों ने जताया ऐतराज। सरकार ने सभी जिलों में अलग से बंदोबस्त पदाधिकारी के पद स्थापना का निर्णय लिया है। इसी निर्णय को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने बासा के अध्यक्ष और महासचिव को पत्र लिखा है। जारी किए गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार का निर्णय गलत है, लिहाजा इस पर मुख्य सचिव से वार्ता की जाए। ज्ञात हो सरकार ने अभी हाल ही में 20 जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारी को पद स्थापित किया है। इसमें 6 IAS अधिकारी जबकि 14 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। लालू प्रसाद यादव की किडनी की आई रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, उनकी किडनी के भी मात्र 25% ही काम करने की बात भी डॉक्टरों ने कह दी थी, जिसके बाद अब उनकी किडनी का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया था, जिसके बाद अब उनकी रिपोर्ट सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव की किडनी पूरी तरीके से सही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पहले की आशंका पूरी तरह से खारिज हो गई है। उनके डायलिसिस की जरूरत नहीं बताई गई है, हालांकि उनमें प्रोस्टेट की समस्या देखने को मिल रही है। बिहार सरकार ने अफसर से लेकर क्लर्क तक के सेवक तक के संपत्ति का मांगा ब्यौरा। बिहार सरकार ने IAS IPS अफसर के बाद ग्रेड ए से लेकर सी तक के सभी अधिकारियों और कर्मियों को चल अचल संपत्ति विवरण देने का निर्देश दिया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग में सभी विभागों के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारी तथा राज्य सरकार एवं उनके अधीनस्थ बोर्ड, निगम, सोसाइटी के समूह क, ख एवं ग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का चल एवं अचल संपत्ति विवरण सार्वजनिक किया जाना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है, क्योंकि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने 1892 में कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य स्थित चट्टान पर 3 दिन तक साधना की थी। पहला अखिल भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस 1924 में कानपुर में सम्पन्न आज ही के दिन हुआ था। भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 1 के 11 में से एक पोलर्ड्स ने 2008 में चंद्रमा की नई तस्वीर आज ही के दिन भेजी थी। महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। हर साल आज ही के दिन देश और विदेश में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी पर सचिन तेंदुलकर ने दी अपनी प्रतिक्रिया। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ पिछले कुछ समय से अपनी खराब परफॉर्मेंस के चलते आलोचनाओं के घेरे में आ रहे हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले मैच के दौरान पृथ्वी शॉ के जल्दी आउट हो जाने के बाद उन्हें इन आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब उनके खराब फॉर्म को लेकर सचिन तेंदुलकर ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि पृथ्वी टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन मौजूदा समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ उनके शरीर से दूर रहकर शॉट खेल रहे हैं। इसलिए जब भी गेंद तेजी से बाहर जाती है उसमें उनके आउट होने के चांस बढ़ जा रहे हैं। खेलते समय उनके हाथ उनके शरीर के पास होना चाहिए। गौहर खान की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीर अभिनेत्री ने की शेयर। गौहर खान जल्द ही कोरियोग्राफर जैद दरबार के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। वहीं उनके मेहंदी सेरेमनी की तस्वीर सामने आई है, जिसके तहत बीते दिन ही गौहर ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें गौहर ने कैप्शन में लिखा है, मेहंदी की रात आई, अपनी जान मेरे भाई का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिंदगी का इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। मैंने आज वो पहना है जो मुझे 4 साल पहले मिला था। तुम मेरी शादी में तो नहीं आ पा रहे हो, मगर तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ है। व्हाट्सएप स्टिकर के जरिए भेजे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को क्रिसमस की बधाई। आज क्रिसमस के मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घर बैठे बैठे शुभकामनाएं भेज सकते हैं। क्रिसमस के लिए व्हाट्सएप ने बहुत सारे नए स्टिकर्स को ऑफर किया है, लेकिन फेस्टिवल बेस्ड स्टिकर्स के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्स का सहारा लेना पड़ता है। इन एप्स की मदद से आप क्रिएटिव और कलरफुल स्टिकर्स के जरिए दोस्तों और परिवार के लोगों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसी बेहतरीन थर्ड पार्टी व्हाट्सएप स्टिकर एप्स के बारे में बता रहे हैं जो कि आपका काम काफी आसान कर देगा। इसके लिए आप पहले व्हाट्सएप स्टिकर फॉर क्रिसमस टाइप करें, इसे डाउनलोड करें। इससे आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को क्रिसमस स्टिकर्स भेजने के लिए आप इन दोनों एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,700 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,700 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुमन कुमार, श्वेता रॉय, उजाला चौधरी, अमित कुमार, सोनी कुमारी, नंद कुमार सिंह, श्वेता रॉय, सुजीत कुमार, सूरज कुमार, रामलखन कुमार, रंजीत मेहता, मिस्टर सौरभ कुमार, शैलेश कुमार, असलम राज, कृष्ण मुरारी यादव, कमलेश प्रसाद मुन्ना, प्रियदर्शी, अमरेश कुमार, विजय सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार जूनियर डॉक्टर की तरफ से अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा हड़ताल सही है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।